Yes, for financial companies, I am telling you first, purchase of securities. Securities means either shares and debentures of any other company. जब फाइनेंशियल कंपनीज किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स और डिबेंचर्स खरीदेंगी तो उनके लिए वो कौन सी एक्टिविटी होगी ऑपरेटिंग, बिकॉज देयर नेचर ऑफ द बिजनेस इज टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल हेल्प्स एंड टू डील इन फाइनेंशियल एसेट्स. किसी भी दूसरी कंपनी के शेयर जब वो खरीदेंगी तो उनके लिए क्या बनेगी, कौन सी एक्टिविटी बनेगी, ऑपरेटिंग. देन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स. बैंक से लोन लिया अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, तो ये उनके लिए कौन सी एक्टिविटी होगी, ऑपरेटिंग. लेकिन यही इंटरेस्ट का लोन अगर नॉन फाइनेंशियल कंपनी पे करे, फॉर एग्जांपल दैट दे आर रनिंग अ शुगर मिल और अ टेक्सटाइल फर्म, और उन्होंने लोन लिया है और उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो उनके लिए वो फाइनेंशियल एक्टिविटी होगी बिकॉज दे टुक लोन एज अ फाइनेंशियल हेल्प, राइट. सो लाइक दैट वे यू जस्ट यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज कंपनीज. देन अगर आपने शेयर खरीदे हैं तो अब आप शेयर बेचोगे भी. सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज इज द मेन एक्टिविटी ऑफ योर फाइनेंशियल कंपनी. सो दिस इज गोइंग टू बी योर ऑपरेटिंग एक्टिविटी वंस अगेन. डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, क्योंकि आपका बिजनेस ही क्या है, आपने दूसरी कंपनी के शेयर खरीदे और उसके ऊपर आपको डिविडेंड मिलता है, रेगुलरली यू विल बी गेटिंग द डिविडेंड, दैट इज योर बेसिक ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस. सो इन दैट केस दैट विल ऑल्सो बी द ऑपरेटिंग एक्टिविटी, राइट. अगला तो चाहे वो नॉन फाइनेंशियल कंपनी हो चाहे वो फाइनेंशियल कंपनी हो, व्हेन यू पे सैलरी यू पे बोनस टू योर एम्प्लॉइज, दैट इज योर रेगुलर एक्टिविटी. पेमेंट ऑफ रेंट इज ऑल्सो योर रेगुलर एक्टिविटी. देन दैट डे ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड पेमेंट ऑफ टैक्स, एंड इफ यू पे टैक्स इन एक्सेस देन यू विल बी गेटिंग रिफंड. तो रिफंड ऑफ टैक्स विल ऑल्सो बी योर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, राइट. यस, इफ यू सी योर बुक, बिकॉज व्हेन आई डिफाइन दीज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ना, आई कॉल दीज आर the principal revenue producing activities. These are the principal revenue producing activities. So what it means, jab maine is chapter ko start kiya tha maine tabhi bataya tha, principal revenue producing activities are those activities which are helping us to earn revenue, which are very much essential to earn the revenue. रेगुलर ऑपरेशंस में जो एक्टिविटीज हमारी हेल्प करती हैं और रेवेन्यू अर्न करने में हमारी हेल्प करती हैं, उन सारी एक्टिविटीज को हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कहते हैं. तो ही मेड अ बॉक्स एंड ही हैज जस्ट डिफरेंशिएटेड, ही हैज बाइफर्केटेड द थिंग्स हाउ ही हैज डिफाइंड. लेट्स सी ऑन द सेम पेज 5.5. प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज मीन्स बिजनेस एक्टिविटीज बीइंग कैरीड बाय द एंटरप्राइज टू अर्न प्रॉफिट. आई टेल यू टू अर्न रेवेन्यू, ही सेज टू अर्न प्रॉफिट. ऐसी एक्टिविटीज जो हर बिजनेस करता है प्रॉफिट कमाने के लिए, उन सारी एक्टिविटीज को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल का यहाँ पे मतलब है मेन, जो मेन एक्टिविटीज हैं जो रेवेन्यू अर्न करने में हमारी हेल्प करती हैं. सो लेट्स सी फर्स्ट, इफ योर कंपनी इज अ कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, सो उस केस में मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ कंप्यूटर्स इज इट्स प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी. इन माई स्कूल प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी, अदरवाइज स्कूल को हम एनजीओ में लेते हैं या एनपीओ में लेते हैं, बट प्रिंसिपल एक्टिविटी हमारे स्कूल की क्या है, टू स्प्रेड एजुकेशन, राइट. तो जिस मकसद के लिए आप बने हैं, जो आपका मेन पर्पस है, उससे उसका पर्पस क्या है, कंप्यूटर्स बनाना और उसे बेचना, तो रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी कौन सी होगी, मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ कंप्यूटर्स. ट्रेडिंग कंसर्न कौन सी होती है बेटा, आपको प्लस वन में सिखाया होता है, ट्रेडिंग मीन्स, ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ रेडीमेड गुड्स. अब बना बनाया सामान खरीदते हो आगे बेचने के लिए, तो उसके लिए क्या है, रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी. परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स इज इट्स प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी, सामान खरीदो आगे बेचने के लिए. देन फॉर फाइनेंस कंपनी, आगे आपका वही केस, फाइनेंशियल कंपनी दे डील इन सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज. सो लेट्स सी, फॉर अ फाइनेंसिंग कंपनी गिविंग एंड टेकिंग लोन्स, परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज ऑन ओन बिहाफ, किसी के बिहाफ पे नहीं. अगर आप ब्रोकर हो और आप किसी के लिए शेयर खरीदते हो तो आपका ब्रोकर्स का बिजनेस है, लेकिन अगर आप अपने लिए शेयर्स खरीदते हो और उसके पीछे आपका मकसद इन्वेस्टमेंट नहीं है, यू विल जस्ट वेट टू सेल दोस शेयर्स व्हेनेवर द प्राइस विल इन्फ्लेट. सो यू आर रनिंग दैट बिजनेस, आप अपने लिए शेयर खरीदते हो, आगे जब उसका प्राइस बढ़ेगा आप उसे बेच दोगे. इन दैट केस दैट विल बी योर प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी. चलिए जी कुछ केसेस डिस्कस करते हैं. एग्जाम्पल नंबर वन, आइडेंटिफाई Which of the following transactions are classified or shown as operating activity by which company? Non-financial company. Non-financial company के लिए नीचे लिखेगी कौन सी activities में से आप उन्हें operating activities में categorize करोगे. जब सामान बेचोगे तो
आपकी नॉन फाइनेंशियल कंपनी है, सेल ऑफ गुड्स से पैसा आएगा तो ये इनफ्लो ऑफ कैश होगा. अब ये भी साथ डिस्कस करते हैं, एज द मनी इज कमिंग कैश इज कमिंग तो ये आपका इनफ्लो ऑफ कैश होगा, लेकिन ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा. नेक्स्ट, कैश पेड फॉर द परचेज ऑफ गुड्स, अगेन ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा, बट हियर बाय इट इज आउटफ्लो ऑफ कैश बिकॉज द होल चैप्टर इज डीलिंग विद एप्लीकेशन ऑफ कैश एंड सोर्सेज ऑफ कैश, राइट. पेमेंट ऑफ सैलरीज ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, वंस अगेन आउटफ्लो ऑफ कैश. पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, दिस इज नॉट माय ऑपरेटिंग एक्टिविटी बट हैड इट बीन योर फाइनेंशियल कंपनी तो उसके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता, क्योंकि लोन देना और लेना दोनों ही उनके क्या है, बेसिक ऑपरेशंस है. सो दिस आई विल बी पुटिंग इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, वो अभी हम लोगों ने करी नहीं है, बट इट इज नॉट गोइंग टू बी योर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, राइट. फिफ्थ भी ऑपरेटिंग नहीं होगा, लोन की वापसी, हाँ ये भी ऑपरेटिंग नहीं है. परचेज ऑफ मशीनरी अगेंस्ट पेमेंट, जब आप कैपिटल एसेट्स खरीदते हो, फिक्स एसेट्स खरीदते हो, वो भी आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है. डिविडेंड पेड भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है. सेल ऑफ कार इन कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है. यस, कमीशन रिसीव विल बी योर ऑपरेटिंग एक्टिविटी. व्हाई? बिकॉज यू आर वर्किंग लाइक एन एजेंट. आपने किसी कंपनी की एजेंसी ली हुई है, आप उसके लिए एजेंसी का काम कर रहे हैं. कल भी डिस्कस किया था, रॉयल्टी एंड कमीशन रिसीव विल ऑलवेज बी योर ऑपरेटिंग एक्टिविटी. कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स कैसे आते हैं भाई? पहले आपने उधार पे सेल करी होगी, उन्होंने बीआर एक्सेप्ट करे होंगे, बीआर से जब पैसा आता है तो वो ट्रेड रिसीवेबल्स की पेमेंट मानी जाती है. इन दैट केस दैट इज रिलेटेड टू योर मेन बिजनेस, सो दैट्स व्हाई इट विल बी योर ऑपरेटिंग एक्टिविटी. सो आउट ऑफ 10 वी हैव ओनली 5 एक्टिविटीज विच आर टू बी कैटेगराइज अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. मेरे को लगता है थोड़ा सा आपको समझ आना शुरू हुआ होगा चैप्टर बेसिकली किसके साथ डील करता है, राइट. Incoming of cash, outgoing of cash, operating activities we are focusing. These are those activities which are related with to earn profit. These are being called principal revenue producing activities. इनके बिना आप अपने business में profit नहीं earn कर पाते हो. These are very very essential to run the basic operations of the business. So that's why they are being called principal revenue producing activities. चलो example 2 करते हैं. Once again. But in this case, now it is a financial company. So financial company, चार चीजें आपने याद रखनी है, giving and taking of loans, buying and selling of securities. So securities की जब मैं बात करती हूँ तो उसके ऊपर dividend की बात आती है, उसके ऊपर interest की बात आती है. आप interest receive करो या pay करो, and you are a financial company, in that case that will be considered your operating activity. ठीक है, चलिए जी पढ़ना शुरू करते हैं. हर तरह की कंपनी के लिए अपने एम्प्लॉइज को दिए जाने वाली सैलरी और वेजेस हमेशा क्या होती है, ऑपरेटिंग होती है. तो चाहे आपकी फाइनेंशियल कंपनी है, चाहे आपकी नॉन फाइनेंशियल कंपनी, इवन रेंट पेड विल बी योर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, राइट. तो पहले केस में चाहे आपकी फाइनेंशियल कंपनी है, चाहे नॉन फाइनेंशियल कंपनी है, पेमेंट ऑफ सैलरी एंड वेजेस फॉर नॉन फाइनेंशियल कंपनी भी ऑपरेटिंग है, फॉर फाइनेंशियल कंपनी भी ऑपरेटिंग है. पहला ऑपरेटिंग है. देन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन, आपने लोन लिया हुआ है उसके ऊपर आप इंटरेस्ट दे रहे हो. यू आर डीलिंग इन लोन्स, यू आर डीलिंग इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज, इन दैट केस दैट इज आल्सो योर ऑपरेटिंग एक्टिविटी. देन रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, दैट इज आल्सो योर ऑपरेटिंग एक्टिविटी. देन परचेज ऑफ शेयर्स फॉर ट्रेडिंग, उसने बोल ही दिया ट्रेडिंग मीन्स आप शेयर्स में डील कर रहे हो, यू आर बाइंग एंड सेलिंग द शेयर्स, तो ऑपरेटिंग है. पहली चार ऑपरेटिंग है भाई. परचेज ऑफ शेयर्स एज इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी, ऑपरेटिंग नहीं. आपने इन्वेस्टमेंट के लिए रखे हैं, like आपके पास फालतू पैसा था, आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे, बट यू आर नॉट गोइंग टू सेल इट ऑफ इन द नियर फ्यूचर. आपने वो पैसा इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में वहां पे लगा दिया पैसा, तो उस केस में दिस इज नॉट योर ऑपरेटिंग एक्टिविटी. ये आपने दोनों चीजों में डिस्टिंक्शन देखनी है. अगर कुछ नहीं लिखा परचेज ऑफ शेयर्स तो हम ये मानेंगे फॉर रीसेल पर्पस है. अगर उसने खुद लिखा है परचेज ऑफ शेयर्स फॉर इन्वेस्टमेंट है, तो दैट विल बी योर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, नॉट ऑपरेटिंग. Purchase of shares on behalf of customers, आपने अपने customers के behalf के ऊपर share खरीदे हैं, तो you are running a business of broker. आप जब अपने लिए share खरीदो और आगे resale करने के लिए खरीदो, तभी वो आपकी operating है, ये भी operating नहीं है. Sale of shares on behalf of, आप अपने customers के share, आप वहाँ पे तो आपकी commission आपकी क्या होगी, operating activity होगी. Sale and purchase of shares on behalf of customer will not be your operating activity. Issue of debentures, आपकी financing activity होगी, ठीक है. नीचे सारे कारण लिखे हैं. परचेज ऑफ शेयर्स, नोट देखो, मैं सब कुछ बता चुकी हूं आपको. परचेज ऑफ शेयर्स एज इन्वेस्टमेंट इज अ लॉन्ग टर्म एसेट नॉट हेल्ड फॉर रीसेल, सो इट इज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, मैंने भी यही बोला. देन परचेज ऑफ शेयर्स ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स एंड सेल ऑफ शेयर्स ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर इज नॉट एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दे आर बीइंग परचेज फॉर इट्स कस्टमर्स. हाउएवर ब्रोकरेज रिसीव्ड और कमीशन रिसीव्ड विल बी योर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है. तो ये नहीं ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी,
इशू ऑफ शेयर्स बीइंग अ बोरोइंग इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, आपने पैसा पब्लिक से बोरो किया है तो उस केस में ये आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगी ना कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी, राइट। हाँ ये वाला क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूं वैसे। उसने बोला नेम एनी एक्टिविटी विच इज ऑपरेटिंग फॉर बोथ द कंपनीज, फाइनेंशियल के लिए भी ऑपरेटिंग है और नॉन फाइनेंशियल के लिए भी, पेमेंट ऑफ सैलरी, पेमेंट ऑफ वेजेस, पेमेंट ऑफ रेंट, वेरी इजी। चाहे मैंने अभी बोला चाहे आपकी फाइनेंशियल कंपनी है चाहे आपकी नॉन फाइनेंशियल कंपनी है, आपने अपनी हेल्प के लिए इंप्लॉइज रखे हुए हैं, आप उन्हें सैलरी रेगुलर दोगे तभी वो आपके लिए काम करेंगे, सो इन दैट केस दैट विल बी योर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इवन ग्रेच्युटी, जब आपके इंप्लॉइज रिटायर होते हैं आप उन्हें लमसम में मनी देते हो उनकी सोशल सिक्योरिटी के लिए, एज अ रिगार्ड ऑफ देयर सर्विसेज दे सर्व योर कंसर्न फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, सो दैट लमसम अमाउंट इज बीइंग गिवन टू द एम्प्लॉइज एट द टाइम ऑफ देयर रिटायरमेंट विच वी कॉल ग्रेच्युटी। सो ग्रेच्युटी की पेमेंट भी चाहे आपकी फाइनेंशियल कंपनी है चाहे आपकी नॉन फाइनेंशियल कंपनी है, दैट विल बी रिगार्डेड एज योर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, राइट। वी आर गोइंग टू फॉलो द सीक्वेंस ऑफ योर बुक। फर्स्टली आई विल बी जस्ट गिविंग अ ब्रीफ टू यू दैट वॉट एक्चुअली दीज थ्री एक्टिविटीज आर। सो अभी तक मेरे को लगता है 50-60% सबको क्लियर हो गया होगा वट आर द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर दोस एक्टिविटीज विच हेल्प अस टू अर्न द प्रॉफिट, जो हमारी प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करती है, एक्टिविटीज इन विच आर वेरी मच असेंशियल टू रन द बेसिक ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। डन, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेकेंड एक्टिविटी विच वी कॉल, सीक्वेंस में चलेंगे भाई, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसका मीनिंग सुनना जरा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इट इंक्लूड्स दोज एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड विद परचेज एंड सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। अगर आप अपने बिजनेस को चलाने के लिए फिक्स एसेट्स, जिनको हम लोग अब कहते हैं नॉन करंट एसेट्स या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स खरीदते हैं तो उसके ऊपर खर्च किया गया पैसा हमेशा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगा। जब आप एसेट्स को खरीदोगे तो वो आउटफ्लो ऑफ कैश होगा, जब आप बेचोगे तो वो इनफ्लो ऑफ कैश होगा, ठीक है। सिर्फ चार चीजें आनी है, सेल एंड परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्स्चर, पेटेंट राइट्स, कॉपी राइट्स, डन एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की नेचर वो हमेशा बताएगा हमें क्वेश्चन में, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट के साथ कभी करंट वर्ड लिखेगा कभी नॉन करंट लिखेगा। वंस इट इज करंट इन्वेस्टमेंट दैट इज नॉट टू बी टेकन हियर, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर कैश इक्विवेलेंट, पहले दिन बता चुकी हूँ, ठीक है। सो करंट इन्वेस्टमेंट कभी भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में नहीं लेनी, वी आर गोइंग टू टेक ओनली नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हियर अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, राइट। जो मैंने बोला है वही है, करंट इन्वेस्टमेंट्स के बारे में लिखा हुआ है। चलिए जी एग्जाम्पल्स करें, सीधा एग्जाम्पल नंबर 6 पे आते हैं। आइडेंटिफाई आउट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस that are classified or shown as investing activity, pehla case for non finance company, pehla case hi karte. What do you mean by non finance company? Which are not financing company means which are dealing in manufacturing or trading processes, and what are the financial company which are dealing in financial assets or unki sale or purchase mein, like securities kharidna, kisi dusri company ke shares kharidna, loan dena ya lena, uske upar interest milna ya aage interest pay karna, that all activities were operating activities for financial companies. Chaliye ji, कैश प्रोसीड्स ऑफ सेल ऑफ फिक्स एसेट, हाँ जी मेरे को लगता है दोनों कंपनीज के लिए ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, चाहे आपकी फाइनेंस कंपनी है चाहे आपकी नॉन फाइनेंस कंपनी है। अगर आप अपने लॉन्ग टर्म एसेट्स और फिक्स एसेट्स को बेचते हो तो आपका इनफ्लो ऑफ कैश है फॉर बोथ द कंपनीज, चेक करते जाओ दोनों कंपनीज के लिए क्या है, ये आंसर में लिखा हुआ है दोनों कंपनीज के लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। आगे चलो, कैश पेड फॉर परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड, स्टॉक एंड ट्रेड इज माई करंट एसेट, ठीक है। सो ये किसी के लिए भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं है, छोड़ दिया हमने, ये आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी। आगे चलते हैं, रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन, रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन विच केस इट इज, इट इज थर्ड केस, थर्ड केस इसने किसी में भी नहीं लिया बिकॉज ये हमारा क्या है, दिस इज आवर फाइनेंसिंग एक्टिविटी, रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन। जब आपने लोन लिया है चाहे आपकी फाइनेंसिंग कंपनी है चाहे आपकी नॉन फाइनेंसिंग कंपनी है, दोनों कंपनीज के लिए ये कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। लोन लेना और फिर लोन को वापस करना, ये पढ़ते हैं, मेरे को लगता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, हाँ फाइनेंसिंग के लिए ये कौन सी होगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी, फाइनेंसिंग के लिए ऑपरेटिंग होगी, नॉन फाइनेंसिंग के लिए कौन सी होगी,
फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगी, सो इन्वेस्टिंग तो नहीं होनी ना. आगे चलते हैं, डिबेंचर्स परचेस्ड. आपने किसी कंपनी के डिबेंचर्स खरीदे? यस, दोनों कंपनीज के लिए, दोनों कंपनीज के लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है. शेयर्स खरीदना फॉर योर ओन, वो फाइनेंसिंग कंपनी के लिए ऑपरेटिंग है. लेकिन डिबेंचर्स खरीदना किसी कंपनी के लिए आपने इन्वेस्ट किया है, मींस आपने अपना पैसा किसी को लेंड किया है, तो दोनों कंपनीज के लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है. आगे चलते हैं, लोन एडवांस्ड. लोन एडवांस्ड, अगर ये नॉन फाइनेंशियल कंपनी किसी को लोन देती है तो क्या है, उसकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है. लेकिन अगर फाइनेंशियल कंपनी किसी को लोन देती है तो उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, क्योंकि उसका बिजनेस ही यही है. ठीक है, तो लाइक दैट वे दैट पॉइंट शुड डायरेक्टली कम टू योर माइंड, इज इट इन्वेस्टिंग और ऑपरेटिंग. आगे चलते हैं, परचेज ऑफ पेटेंट्स. अभी मैंने बोला नॉन करंट एसेट व्हेनेवर यू परचेज, दैट इज योर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. दैट कैन बी कॉपीराइट, दैट कैन बी पेटेंट्स, इवन गुडविल की परचेज भी करवाया हुआ है आपको पार्टनरशिप में. व्हेन यू बाय समबडीज रनिंग बिजनेस, शेयर कैपिटल में भी किया था, यू पे एक्स्ट्रा फॉर गुडविल. तो उस केस में अगर आप गुडविल की परचेज करते हैं तो वो भी आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ही रहेगी. चलिए अगली एग्जाम्पल. बट बिफोर आई प्रोसीड टू द नेक्स्ट, आई जस्ट वॉन्ट टू इंक्वायर फ्रॉम यू वट यू अंडरस्टैंड विद फाइनेंसिंग एंड नॉन फाइनेंसिंग एक्टिविटी. सो लेट मी कम टू योर स्क्रीन्स. मनरीत, करो जी अनम्यूट. मनरीत अनम्यूट योर सेल्फ. मनरीत आर यू देयर? अनम्यूट करो. पायल आप करो अनम्यूट. पायल, सो वेयर आर यू पीपल? आर यू रियली अटेंडिंग द क्लासेस और यू जस्ट स्विच ऑन योर मोबाइल्स और लैपटॉप्स एंड यू आर सिटिंग आइडल और रोमिंग हेयर एंड देयर एट योर ओन प्लेस? वंशिका सैनी आप करो अनम्यूट. वंशिका आर यू देयर? सो दिस इज अ थर्ड चाइल्ड आई एम आस्किंग टू अनम्यूट. क्या प्रॉब्लम, क्या चल रही है भाई? अनम्यूट नहीं हो पा रहा. अनम्यूट करो वंशिका. एनी अदर चाइल्ड? भवनीत सिंह आप करो अनम्यूट. भवनीत अनम्यूट करो. यस मैम. गुड मॉर्निंग. सो इफ दिस चाइल्ड कैन, इट मींस इट इज नो प्रॉब्लम फ्रॉम माय साइड, राइट? भवनीत आपने दो लाइनें मेरे को बतानी है. व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंसिंग कंपनीज या फाइनेंशियल कंपनीज एंड व्हाट डू यू मीन बाय नॉन फाइनेंशियल कंपनी, जितना आपको समझ लगा. एंड फाइनेंशियल कंपनीज आर दोज व्हिच डील विद सिक्योरिटीज एंड लोन्स. एंड लोन्स, ठीक है, फाइनेंशियल एसेट्स में डील करती है ना. तो नॉन फाइनेंशियल कौन सी है मैम? दैट डू नॉट डील विद सिक्योरिटीज एंड लोन्स. नॉन फाइनेंशियल which do not deal with okay which do not deal, like for example manufacturing companies or trading, done. So banking, banks are the financial companies ma'am? Are the banks financial companies? Yes bilkul theek hai. LIC companies bhi kai kya karti hain, loan provide karti hain ya shares ki sale aur purchase karti hain, तो उनको भी हम लोग फाइनेंशियल कंपनीज में इंक्लूड कर सकते हैं, प्रोवाइडेड हमें उनकी नेचर पता हो. अदरवाइज LIC का मेन क्या है, इंश्योरेंस देना, ठीक है, प्रीमियम रिसीव करना और फिर रिटर्न क्लेम की फॉर्म में देना. लेकिन अगर वो फाइनेंशियल एसेट्स में डील करती हैं तो दे कैन ऑल्सो बी कैटेगराइज अंडर फाइनेंशियल कंपनी. गुड, थैंक गॉड कि फिफ्थ चाइल्ड ने माइक ऑन किया और आंसर किया. सिक्स क्वेश्चन पे आ जाओ. सिक्स इलस्ट्रेशन इन योर बुक. आइडेंटिफाई आउट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस That are shown as financing activities. कुछ नहीं कहा तो हम हमेशा मान के चलेंगे नॉन फाइनेंशियल कंपनीज के लिए. नॉन फाइनेंशियल कंपनीज के लिए नीचे वाली नो, मेरे को फिफ्थ करवाना पहले, अभी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज तो करी नहीं. फिफ्थ इलस्ट्रेशन देखो. स्टेट गिविंग रीजन आर ट्रांजेक्शन दैट इज ऑलवेज क्लासिफाइड एज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. चाहे आपकी नॉन फाइनेंशियल कंपनी है चाहे आपकी फाइनेंशियल कंपनी है, कोई ऐसी एग्जाम्पल दो जो दोनों तरह की कंपनीज के लिए हमेशा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी रहेगी. Purchase of any fixed asset that can be plant and machinery, ठीक है, that can be furniture and fixture which is not meant for resale.
अगर रीसेल के लिए आप कोई एसेट खरीदते हैं, लाइक आपका फर्नीचर का ही शोरूम है और उसके लिए आपने फर्नीचर खरीदा आगे रीसेल पर्पस के लिए, तो वो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनेगी. लेकिन एनी टाइप ऑफ फिक्स एसेट विच इज नॉट मेंट फॉर रीसेल, ईदर इफ यू आर रनिंग योर विच कंसर्न, फाइनेंशियल कंसर्न और नॉन फाइनेंशियल कंसर्न दोनों के लिए, वो क्या होगा, परचेज ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज, परचेज ऑफ गुडविल, मैं पहले से ही बता चुकी हूँ, दीज आर द थ्री एग्जाम्पल्स ही इज कोटिंग. So that for all types of companies, it will always be your investing activities. Okay. So now we are proceeding towards our third activity, which we call financing. जो लाइन मैं बोलूंगी या मैं बोर्ड पे लिखूंगी उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना. What does it mean? Financing activities. Third activity under this chapter. वन मार्क और एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एक्टिविटीज, राइट, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. इट इंक्लूड्स दोज एक्टिविटीज विच रिजल्ट इन द चेंज इन द साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ capital structure of the company, size and composition of capital structure of the company, yeah, capital employed of the company. वो सारी activities जिनके कारण आपकी capital structure में change आता है. और इसके लिए पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल स्ट्रक्चर एंड व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल एम्प्लॉयड. इट इंक्लूड्स योर बोरोड फंड्स एंड ओनर्स फंड्स. हर वो एक्टिविटी जिसके कारण आपकी ओनर्स फंड में चेंज आए और बोरोड फंड्स में चेंज आए, चाहे उसके साइज में या कॉम्पोजिशन में, मीन्स कभी आप इक्विटी रिडीम करते हो, कभी आप इक्विटी नहीं रेज करते हो, कभी आप प्रेफरेंस को रिडीम करते हो या नया रेज करते हो, आप डिबेंचर्स को रेज करते हो, उस केस में क्या, डिबेंचर अगर परचेज करोगे तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है. अगर आप डिबेंचर्स क्या कर रहे हो, रेज कर रहे हो, लोगों से पैसा बोरो कर रहे हो, तो वो आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है. ठीक है, तो हर वो सिचुएशन, हर वो एक्टिविटी जिसके कारण आपकी ओनर्स कैपिटल में और बोरोड कैपिटल में चेंज आए, वो सारी एक्टिविटीज आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हुआ करेंगी. देखो इसने भी यही वर्ड लिखा, हाँ, इसने ओनर्स कैपिटल को डिफाइन कर दिया भाई. ओनर्स कैपिटल इंक्लूड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इन केस ऑफ कंपनी इंक्लूडिंग, मतलब इक्विटी तो आना ही है ओनर्स में, प्रेफरेंस भी आएगा एंड बोरोइंग ऑफ द एंटरप्राइजेस फ्रॉम अदर सोर्सेस. एग्जाम्पल करते हैं भाई, सिक्स्थ, रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन, विल इट बी योर फाइनेंसिंग एक्टिविटी. जब आप लोन लोगे तो क्या होगा, आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी ही होगा. जब आप लोन की वापसी करोगे तो वो आउटफ्लो ऑफ कैश हो जाएगा. बैंक से लोन लिया, लाइक टर्म लोन लिया, पांच सालों के लिए लोन लिया आपकी कंपनी ने, तो दैट इज गोइंग टू बी योर फाइनेंसिंग एक्टिविटी बिकॉज इट इज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस. प्लस वन का चैप्टर माइंड में लेके आना, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस. यू आर रेजिंग द मनी फ्रॉम द मार्केट, यू आर टेकिंग द लोन फ्रॉम द बैंक्स, दैट ऑल वर योर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस. सो दैट्स व्हाई दैट इज टू बी, और ये हमारी बोरोड फंड को बढ़ा रहा है, ठीक है, इसलिए हमारा क्या बनेगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेगा. प्रोसीड्स फ्रॉम द इश्यू ऑफ शेयर्स, आपकी इक्विटी कैपिटल बढ़ रही है, मींस ओनर्स कैपिटल बढ़ रही है, उस केस में भी ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी ही होगा. डिबेंचर्स सब्सक्राइब्ड बाय द कंपनी, हु विल टेल मी द मीनिंग ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल, फिर देखेंगे सब्सक्राइब्ड बाय द कंपनी. शेयर कैपिटल में सब्सक्राइब्ड कैपिटल किया था, ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, व्हाट डज इट मीन सब्सक्राइब्ड कैपिटल. चलो तनीषा आप करो अनम्यूट. तनीषा, रोल नंबर 37 ऑफ प्लस टू बी, तनीषा अनम्यूट योरसेल्फ. सो तनीषा इज नॉट देयर. तनीषा आर यू देयर? सोहानी आप करो अनम्यूट. सोहानी अनम्यूट करो, यू हैव द ऑप्शन नाउ. Yes, ma'am. Good morning. Suhani, mere ko batao, what do you mean by subscribed capital? The amount of issued capital which is actually taken up by the shareholders or the applicants. By the public hi hona chahiye. For which we receive the application from the public, right?
ठीक है ना सुहानी, मैंने ये बोला ना yes, ma'am. कैपिटल का वो पार्ट जिसके लिए हमें पब्लिक की तरफ से एप्लीकेशंस आती हैं. तो व्हाट डू यू मीन बाय देन डिबेंचर सब्सक्राइब्ड बाय कंपनी? आपकी कंपनी ने जब डिबेंचर सब्सक्राइब किए हैं तो उसका मतलब क्या है? जब कंपनी ने पब्लिक को कहा है कि उनके डिबेंचर्स लेने के लिए बाय द कंपनी है, सब्सक्राइब्ड बाय द कंपनी. लाइन देखो ध्यान से, डिबेंचर्स सब्सक्राइब्ड बाय द कंपनी. सब्सक्राइब पब्लिक ने सब्सक्राइब नहीं किया, कंपनी ने खुद सब्सक्राइब किया है. अब मीनिंग बताओ इसका. एनीबडी एल्स रेज योर हैंड. राणा गुरजीत, यस यू रोट द राइट मीनिंग ऑफ योर सब्सक्राइब कैपिटल. राणा गुरजीत, विल यू टेल सब्सक्राइब बाय द कंपनी व्हाट डज इट मीन? हाँ जी राणा गुरजीत, करिए अनम्यूट. द अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स दैट अ कंपनी परचेज फ्रॉम अदर कंपनी. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है. द अमाउंट ऑफ द कंपनी व्हिच द कंपनी इज गोइंग टू इन्वेस्ट इन द परचेज ऑफ अदर कंपनीज डिबेंचर means जिसके लिए कंपनी ने अप्लाई किया है. सो विल इट बी द फाइनेंसिंग एक्टिविटी? नो, इट इज गोइंग टू बी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. अभी बताया डिबेंचर परचेज हुआ, आपने सब्सक्राइब किया है. अगर आपकी सब्सक्रिप्शन को कंपनी अलाउ कर देती है तो आपको डिबेंचर्स मिल जाने. सो इट इज गोइंग टू बी योर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, नॉट योर फाइनेंसिंग एक्टिविटी. आगे चलते हैं. रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. बोनस कैपिटल का बढ़ना और कम होना दोनों ही क्या है? मेरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है. आपके डेफिनेशन में लिखा है ना इंक्लूडिंग प्रेफरेंस शेयर्स. So when you redeem preference shares means आप उनका पैसा उन्हें वापस करते हो. In that case it will be your outflow of cash but it is going to be your financing activity. धीरे धीरे you will start learning. Interest paid on borrowings, you took a loan from bank. Bank उसके ऊपर आपको क्या बोलता है? Interest pay करो. ठीक है, तो interest to be paid on borrowing is also your financing activity. Dividend paid, you borrowed the money from owners, shareholders से आपने पैसा लिया. They demand dividend. So dividend की पेमेंट हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगी. और अगर आपको याद हो जब हमने स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल करा था, मैंने बोला था एफ का मतलब फाइनेंस कॉस्ट है. फाइनेंस कॉस्ट में आपका क्या आना था? इंटरेस्ट पेड एंड डिविडेंड पेड. सो इफ इट इज अ फाइनेंस कॉस्ट इट इज गोइंग टू बी योर फाइनेंसिंग एक्टिविटी. देन इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट. कैश क्रेडिट का मतलब क्या है? बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस ने बैंक से अपनी लिमिट पास करवाई होती है. ठीक है, मतलब इतना आप विड्रॉ कर सकते हो और ऐसे इंस्टॉलमेंट्स में आपको वापस करना है, जैसे बैंक हमें क्रेडिट कार्ड देता है. ठीक है, तो कैश क्रेडिट का बढ़ना इवन कम होना भी मींस तब आपने वापस कर दिया उनका पैसा. बैंक ओवरड्राफ्ट का बढ़ना इवन कम होना भी आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा. कहने को बैंक ओवरड्राफ्ट आज से 4-5 साल पहले करंट लाइबिलिटी माना जाता था. ठीक है, लेकिन अभी इसने सिस्टम चेंज कर दिया. व्हेन यू टुक लोन फ्रॉम बैंक इफ दैट टाइम इट इज योर फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो व्हाई नॉट इन केस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट. बैंक ओवरड्राफ्ट मींस व्हेन यू विड्रॉ द मनी मोर देन योर बैलेंस अवेलेबल. सो बैंक ओवरड्राफ्ट का बढ़ना या कम होना इन बोथ द केसेस इट इज गोइंग टू बी योर फाइनेंसिंग एक्टिविटी. सो हियर वी इशू ऑफ बोनस शेयर्स. यस, ये मेरे को डिस्कस करना है. इशू ऑफ बोनस शेयर्स इसके लिए कुछ नहीं ना बताया. बोनस शेयर्स के बारे में आपको रेशियो एनालिसिस में बताया होता है. दीज आर दोस शेयर्स, ध्यान से सुनना. दीज आर दोस शेयर्स व्हिच आर टू बी इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट टू आर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स. तो इसके कारण ना कैश आया ना गया, इसलिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं है. बट ओनर्स कैपिटल इज गोइंग टू इंक्रीज. हमने तब इसका इफेक्ट देखा था डेट इक्विटी पे, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा. तो डेट इक्विटी के केस में हमारा क्या है? यू आर पेइंग दीज, यू आर इशूइंग दीज शेयर्स आउट ऑफ योर प्रॉफिट. तो वहां पे भी नो इफेक्ट हुआ करता था क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस क्या हो जाते हैं? कम. और आपका इक्विटी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है. दोनों ही हमारे इक्विटी के पार्ट थे, रेशियो एनालिसिस के कॉन्टेक्स्ट में बोल रही हूँ. और यहाँ पे आपकी ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं होगी बिकॉज इट डजंट रिजल्ट इन एनी कैश. कैश फ्लो स्टेटमेंट इज डीलिंग विद इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश. बोनस शेयर्स के केस में देयर इज नो फ्लो ऑफ कैश. ठीक है, आपकी नॉलेज के लिए आई एम रिपीटिंग, जब हम इस तरह से शेयर इशू करते हैं तब हम जर्नल एंट्री क्या करते हैं? क्योंकि प्रॉफिट में से इशू किया. स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल करते हैं. कैश कहाँ आया? आपने अपनी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा प्रॉफिट अर्न किया, आप उसमें से अपने शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर्स इशू कर रहे हो. इन दैट केस दिस एंट्री वी पास, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल. एज देयर इज नो फ्लो ऑफ कैश, सो हाउ कैन आई ट्रीट इट इन माई फाइनेंसिंग एक्टिविटी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में एक्चुअली रादर तीनों एक्टिविटीज में वही चीजें आनी है जिसमें कैश का आना और जाना. अगर आपकी नॉन कैश ट्रांजेक्शन है सो दैट इज नॉट गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ एनी टाइप ऑफ एक्टिविटी.
राइट अब इसने एक एग्जांपल पूछी है एग्जांपल नंबर 7 में क्या स्टेट गिविंग रीजन आर ट्रांजैक्शन दैट इज ऑलवेज क्लासिफाइड एज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी चाहे आपकी नॉन फाइनेंशियल कंपनी है चाहे आपकी फाइनेंशियल कंपनी है एक ऐसी एक्टिविटी बताओ जो हर कंपनी के लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो दैट इज डिविडेंड पेड ठीक है इंटरेस्ट पेड फॉर फाइनेंसिंग कंपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी बट डिविडेंड पेड मींस आपने लोगों से शेयर्स की फॉर्म में पैसा लिया है दैट इज सोर्स ऑफ फाइनेंस चाहे आपकी फाइनेंसिंग कंपनी ही क्यों ना हो तो डिविडेंड पेड विल ऑलवेज बी योर फाइनेंसिंग एक्टिविटी इफ यू आर रनिंग योर कंसर्न एज अ फाइनेंशियल कंपनी और एज अ नॉन फाइनेंशियल कंपनी सो दिस थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड अगली एग्जाम्पल भी बहुत अच्छी है गिव अ ट्रांजेक्शन अ पार्ट ऑफ विच इज शोन एज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड पार्ट ऑफ Which is shown as financing activity. When एक ही example है भाई when we buy the things on installment basis, जिसे EMI बोलते हैं easy monthly installment, means किस्तों पे पैसा सामान खरीदा ठीक है तो जब EMI बनाता है bank, तो उसमें कुछ principal amount होती है और कुछ उसमें interest add किया जाता है फिर आपकी installment की final amount बनती है इतना थोड़ा सा आपको पता होगा ठीक है मान लो फोर व्हीलर इंस्टॉलमेंट पे लिया या घर में कोई गैजेट इंस्टॉलमेंट पे लिया तो जब आप उनका पूरा वो चार्ट देखते हो तो उन्होंने प्रिंसिपल अमाउंट अलग से लिखी होती है इंटरेस्ट अलग से लिखा होता है तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है इसमें वो आपकी हमेशा क्या हुआ करेगी फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्योंकि आपने कोई एसेट खरीदा है और उसके ऊपर जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो दैट इज गोइंग टू बी योर फाइनेंसिंग एक्टिविटी बिकॉज इंटरेस्ट पेड ऑन लोन एक तरह का लोन ही है ना इंटरेस्ट पेड ऑन लोन इज ऑलवेज योर फाइनेंसिंग एक्टिविटी देखो यही लिखा उसने हायर परचेज का मतलब है आप इंस्टॉलमेंट्स में सामान खरीदते हो सो इंस्टॉलमेंट की दो कॉम्पोनेंट्स होते हैं मैंने बोर्ड पे लिख दिया वन इज प्रिंसिपल एंड अदर इज इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट मीन्स मान लो 10,000 क्या है प्रिंसिपल अमाउंट है 2,000 क्या है इंटरेस्ट है आप 12,000 पहले इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो सो दिस 10,000 विल बी फॉर द परचेज ऑफ योर फिक्स्ड एसेट सो दिस इज गोइंग टू बी योर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड दिस इज गोइंग टू बी योर इंटरेस्ट पेड विच इज बीइंग कॉल्ड एज योर फाइनेंसिंग एक्टिविटी सो दिस एग्जाम्पल ऑल्सो यू हैव टू लर्न ट्रांजेक्शंस नॉट रिगार्डेड एज कैश फ्लो अभी मैं कह के हटी हूँ हर वो ट्रांजेक्शन जिसमें कैश का आना और जाना है विच वी कॉल इनफ्लोस एंड आउटफ्लोस ऑफ कैश इनफ्लोस ऑफ कैश मीन्स सोर्सेज ऑफ कैश आउटफ्लोस ऑफ कैश मीन्स एप्लीकेशन ऑफ कैश आप पैसा कहाँ कहाँ लगाते हो ठीक है तो आपने पूरे कैश फ्लो स्टेटमेंट में वो ट्रांजेक्शन को कभी भी कंसिडर नहीं करना विच आर ऑफ नोन कैश नेचर सो टुमारो वी विल कंटिन्यू विद दिस दैट विच ट्रांजेक्शन आर टू बी इग्नोर्ड वाइल प्रिपेयरिंग योर कैश फ्लो स्टेटमेंट Today we have business studies period also, and that's your fourth period. Okay, so be ready with your financial and statement, financial management.